हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। तो चलिए देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में क्या क्या नेशनल पार्क है। यहाँ पे जो जो नेशनल पार्क है वो एक है दाचीगाम नेशनल पार्क, दूसरा है हेमिस नेशनल पार्क, तीसरा सिटी फॉरेस्ट जिसको हम सलीमअली नेशनल पार्क कहते हैं, फोर्थ है क्रिस्टवार नेशनल पार्क एंड फिफ्थ है काजीनाग नेशनल पार्क। तो जम्मू एंड कश्मीर में फाइव इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जिसके अंदर हेमिस नेशनल पार्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एरिया है 4,400 स्क्वायर किलोमीटर, दाचीगाम नेशनल पार्क 141 स्क्वायर किलोमीटर, सिटी फॉरेस्ट यह है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क 9 स्क्वायर किलोमीटर, क्रिस्टवार नेशनल पार्क 425 स्क्वायर किलोमीटर, काजीनाग नेशनल पार्क 160 स्क्वायर किलोमीटर। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है ये सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड हेमिस नेशनल पार्क है लार्जेस्ट और बिगेस्ट नेशनल पार्क। तो ये इंडिया में भी बिगेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का वो है हेमिस नेशनल पार्क एंड जम्मू एंड कश्मीर का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क। तो एट फर्स्ट हम हेमिस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एस्टैब्लिश्ड इन 1981 में ये बना है नेशनल पार्क टू प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ इन लद्दाख। तो लद्दाख का जो सब वाइल्ड लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए ही ये नेशनल पार्क बना है। ऑल्टीट्यूड इसका है बिटवीन 3,300 से लेके 6,000 मीटर अबव सी लेवल। एग्जॉटिक वाइल्ड पार्क, यहाँ पे बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ हम देखते हैं, वाइल्ड एनिमल हम देखते हैं। एंड हेमिस इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है ऐसा एक नेशनल पार्क का नाम बताइए, वो क्या है? हेमिस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे सिचुएटेड है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। दिस इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया विच सिचुएटेड टू द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द हिमालय। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय ये एक ओनली नेशनल पार्क है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय में सिचुएटेड है। हेमिस इज द लार्जेस्ट नोटिफाइड प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। तो हमने अभी कहा ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में एंड लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया भी है। तो जम्मू एंड कश्मीर का भी लार्जेस्ट नेशनल पार्क है एंड पूरे इंडिया में मतलब पूरे कंट्री में ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट इन इंडिया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलता है, नॉर्दर्न पार्ट में हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड ऐसा एक ओनली नेशनल पार्क का नाम बताइए, वो क्या है? हेमिस नेशनल पार्क जो जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है एंड ये है लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। हेमिस इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाई इंदस रिवर। नॉर्दर्न पार्ट में क्या है इसका? इंदस रिवर है एंड इट ऑल्सो इंक्लूड द कैचमेंट एरिया ऑफ सुमदाह, मारखा एंड रामबक रिवर सिस्टम। तो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में जो रिवर है वो क्या है? इंदस रिवर। एंड जो जो रिवर का कैचमेंट एरिया है इसके अंदर इंक्लूडेड है वो रिवर क्या क्या है? सुमदाह, मारखा, रामबक, ये सब रिवर का कैचमेंट एरिया यहाँ पे इंक्लूडेड है। हेमिस नेशनल पार्क इज इंडियाज ओनली प्रोटेक्टेड एरिया इन साइट ऑफ द पैलियो आर्कटिक इकोजोन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पैलियो आर्कटिक इकोजोन में सिचुएटेड है ओनली एक प्रोटेक्टेड एरिया जो इंडिया में है वो क्या है? वो है हेमिस नेशनल पार्क। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैलियो आर्कटिक इकोजोन में सिचुएटेड है एंड इसके नॉर्दर्न पार्ट में कौन सा रिवर है? इंदस रिवर। एंड कौन कौन सा रिवर का कैचमेंट एरिया यहाँ पे इंक्लूडेड है? सुमदाह, मारखा एंड रामबाग। फ्लोरा मेनली यहाँ पे क्या क्या है? हेमिस नेशनल पार्क सिचुएटेड इन द काराकोरम वेस्ट टिबेटन प्लेटो एल्पाइन स्टेप इकोरिजियन एंड कॉन्टेन फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन, मेनली पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन शार्वलैंड, मियोडोस, ये सब, एल्पाइन तुंड्रा, वैली बॉटम आर कवर्ड बाय द एल्पाइन एंड स्टेप ट्री एंड
शार्व्स, तो यहाँ पे मेनली हम एल्पाइन टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है, पाइन फॉरेस्ट, तुंद्रा फॉरेस्ट, ये सब देखते हैं, क्योंकि इसका ऑल्टीट्यूड जो है, हाइट जो है बहुत ज्यादा है, एंड जो हायर ऑल्टीट्यूड में हम ज्यादातर तुंद्रा टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है, एल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ये सब देखते हैं। तो इस पार्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिवर यहाँ पे सिचुएटेड है, इसके नॉर्दर्न पार्ट में इंदास रिवर पैलिया आर्कटिक इकोजोन में सिचुएटेड है, ऐसा एक ओनली नेशनल पार्क जो इंडिया में है वो क्या है, वो है हेमिस नेशनल पार्क, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है द अपर माउंटेन एरिया बींग मॉइस्ट कॉन्सिस्ट ऑफ एल्पाइन वेजिटेशन, तो यहाँ पे हमने अभी कहा जो है एल्पाइन टाइप ऑफ वेजिटेशन मेनली है, क्या क्या है, एनिमोने, लॉयडिया, वेरोनिका, डेल्फिनम, जेंटियाना एंड कोवरेसिया, ये सब टाइप ऑफ एल्पाइन वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। रिच स्टेप वेजिटेशन इन द लोअर एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय आर्टेमिसिया, स्टेचिस, कैरागाना, एफेड्रा, ये सब हम देखते हैं लोअर एरिया में। तो ये जो वेजिटेशन है ये हम लोअर एरिया में देखते हैं, एंड ऊपर का ये सब हम अपर एरिया में देखते हैं, एनिमोना, लॉयडिया, वेरोनिका, ये सब अपर एरिया में देखते हैं। फौना में क्या इंपॉर्टेंट है, स्नो लियोपार्ड, ऑब्वियसली ये हायर ऑल्टीट्यूड का एरिया है, यहाँ पे पूरा एरिया स्नो से ज्यादातर कवर रहता है, तो स्नो लियोपार्ड हम मेनली इस जगह पे देखते हैं, शैंग वैली में, आईबेक्स, आर्गेली जो ग्रेट इंडियन सॉरी ग्रेट टिबेटन शीप है, वारल जो ब्लू शीप है, एंड अदर उल्फ, हिमालयन मार्मट, टिबेटन वाइल्ड एस, ढोल्स, लाइनेक्स, माउस हेयर, ये सब टाइप ऑफ फौना हम यहाँ पे देखते हैं। और बार्ट के अंदर क्या क्या है, हिमालयन विस्टलिंग थ्राश, स्नो कुक, चुकर, मैकपी, स्नो पार्ट्रिज, गोल्डन ओरियोले, ग्रेट ग्रे श्राइक्स, ब्लैक थ्रोटेड थ्राश, स्पॉटेड फ्लाई कैचर, रेड फ्लाउंट, ब्लू टेल, ये सब टाइप ऑफ बार्ड हम यहाँ पे देखते हैं। तो हेमिस नेशनल पार्क से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो ये जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ऐसा एक नेशनल पार्क जो ओनली है इंडिया में, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालय में सिचुएटेड है, ऐसा एक नेशनल पार्क ओनली है इंडिया में जो पैलियार्कटिक इकोजोन में सिचुएटेड है, नॉर्दर्न पार्ट में इसका रिवर है इंदास रिवर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेजिटेशन मेनली अल्पाइन, पाइन, शार्व, ये टाइप ऑफ तुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन यहाँ पे है, स्नो लियोपार्ड टाइप ऑफ फौना मेनली इस जगह पे हम देखते हैं। मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे है, ये है हेमिस नेशनल पार्क, तो यहाँ पे वाइल्ड एनिमल हम बहुत ज्यादा देखते हैं, लद्दाख एरिया का वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एनिमल, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये हेमिस नेशनल पार्क बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद आते हम दाचीगाम नेशनल पार्क, एरिया इसका कितना है 141 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया, लोकेटेड 22 किमी अवे फ्रॉम श्रीनगर, श्रीनगर से 22 किमी दूर ये सिचुएटेड है। नेम ऑफ द पार्क लिटरली स्टैंड फॉर 10 विलेज, तो 10 विलेज इन द मेमोरी ऑफ 10 विलेज दैट वर रिलोकेटेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पार्क, तो इसका नाम जो है दाचीगाम ये आया है 10 विलेज के नाम से, जो 10 विलेज को हमने रिलोकेट किया था ये पार्क को बनाने के लिए, मतलब जिस जगह पे ये पार्क बना है उस जगह पे पहले 10 विलेज था, उसको उधर से हटा के रिलोकेट दूसरे जगह पे हमने किया है, तो उस 10 विलेज के मेमोरी में ही इसका नाम हुआ है दाचीगाम नेशनल पार्क। लोकेटेड हाई इन इट्स इंटीरियर इज द मार्सर लेक फ्रॉम विच फ्लो द रिवर दागवान, तो इसके हायर पार्ट से एक जो मार्सर लेक है जहां से एक रिवर फ्लो कर रहा है वो है दागवान, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दागवान जो रिवर एंड मार्सर जो लेक, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिचुएटेड ऑन द ईस्ट साइड ऑफ डाल लेक, डाल लेक के ईस्ट साइड में सिचुएटेड है, तो यहाँ पे और एक लेक है वो क्या है, डाल लेक, ये भी इंपॉर्टेंट है। कौन से रेंज में दाचीगाम नेशनल पार्क सिचुएटेड है, जावरवन रेंज, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जावरवन रेंज, इस रेंज में ये सिचुएटेड है जो वेस्टर्न हिमालय का पार्ट है। ऑल्टीट्यूड इसका कितना है, वेरीज फ्रॉम 5,500 फीट से लेके 14,000 फीट तक इसका ऑल्टीट्यूड
फैक्टर जो है वेरी करता है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है, एरिया 141 स्क्वायर किलोमीटर, श्रीनगर से 22 किमी दूर है ये, 10 विलेज जिसको ये पार्क बनाने के टाइम में हमने रिलोकेट किए थे उसके नाम से इसका नाम हुआ है, एंड मार्शल लेक जो यहाँ पे सिचुएटेड है उससे एक रिवर ऑरिजिन हुआ है, वो क्या है दागवान, डाल लेक के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, कौन से रेंज में सिचुएटेड है, जावरवन रेंज में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्या है, द तेरिम रेंज फ्रॉम जेंटली स्लोपिंग ग्रासलैंड टू शार्प रॉकी आउटक्रॉप एंड क्लिफ। तो टेरिम रेंज मेनली जेंटल स्लोपिंग से लेके क्लिफ तक है, यहाँ पे जो रेंज है ये। फौना मेनली यहाँ पे क्या है, हांगुल हम देखते हैं, वर्ल्ड फेमस हांगुल जो हम जिसको कश्मीरी स्टैक के नाम से जानते हैं, वो टाइप ऑफ फौना हम इस जगह पे देखते हैं। तो फौना में इंपॉर्टेंट है हांगुल। हंगुल्स कैन बी इजिली स्पॉटेड इन विंटर, मेनली विंटर में देखा जाता है। अदर जो सब फौना है, मास्क डियर, ब्राउन बियर, लियोपार्ड, जंगल कैट, हिमालयन ब्लैक बियर, वाइल्ड गोट लाइक द मार्कोर एंड आईबेक्स, ये सब टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं। रेयर बर्ड जो है सिनेमम स्पैरोस, हिमालयन मोनस, काश्मीरी फ्लाई कैचर, ब्लैक बुलबुल, ये सब रेयर बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। कलरफुल जो फीजेंट है वो क्या क्या है, क्रिम्सन ट्रागोपन, इरिडिसेंट मोनल, ब्लड पीजेंट एंड कॉकलस पीजेंट, ये सब टाइप ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। तो जो फौना यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हंगुल जिसको हम कश्मीरी स्टैक के नाम से जानते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट फौना हम यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, गोल्डन ईगल, बार्बेड वाल्चर, ये सब भी हम देखते हैं। फ्लोरा के अंदर मेनली क्या है, कॉनिफेरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो ब्रॉडलीफ स्पीसीज है वो मेनली है यहाँ पे, एप्रिकॉट, वालनट, चेस्टनट, ओक, विलो, पॉपुलर, एप्पल, चीनर, बीर्च, पाइन, ये सब टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं। ग्रासलैंड एंड म्योडोस इन द पार्क आर कवर्ड विद ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्ड एक्सेप्ट इन द टाइम ऑफ विंटर। तो विंटर के टाइम को अगर छोड़ दो तो उसके बाद बाकी जो सब सीजन है उस सीजन में हम यहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स भी देखते हैं। तो ये सब फ्लोरा है यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो दाचीगम नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या निकलता है, लेक कौन से लेक के साइड में सिचुएटेड है, इसके अंदर कौन सा लेक है, कौन से रेंज में सिचुएटेड है, कौन सा रिवर का ऑरिजिन हुआ है इसके अंदर से, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ऑब्वियसली फौना के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एंड फ्लोरा में इंपॉर्टेंट वेजिटेशन हम क्या देखते हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैप में अगर देखा जाए तो दाचीगम नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है इंडिया के मैप में, इसको अगर आप बड़ा करके देखोगे तो ये है पूरा दाचीगम नेशनल पार्क, जिसका लोअर दाचीगम है ये, अपर दाचीगम ये, एंड मार्सर लेक है ये, जहां से वो रिवर दागवान इसका इस रिवर का ऑरिजिन हुआ है, ये रिवर इसका ओरिजिन हुआ है इस लेक से, ये सब है यहाँ पे। इसके साइड में हमने क्या कहा था, 22 किमी अवे फ्रॉम श्रीनगर, तो श्रीनगर इसके पास ही सिचुएटेड है। तो ये है पूरा दाचीगम नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन जम्मू एंड कश्मीर। एरिया इसका कितना है, 9.07 स्क्वायर किलोमीटर। नोटिफाइड इन द ईयर 1987 में ये नोटिफाई किया गया था। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। इट इज नेम्ड आफ्टर फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम अली, इसके नाम से इसका नाम हुआ है। इज रिनाउंड फॉर इट्स एवियन फौना, मेनली यहाँ पे हम बार्ड ज्यादा करके देखते हैं, तो बार्ड के लिए ये ज्यादा करके इंपॉर्टेंट है। फ्लैगशिप स्पीसीज ऑफ नेशनल पार्क इज हिमालयन मोनल, जो इंपॉर्टेंट फौना है यहाँ पे वो है हिमालयन मोनल। फ्लोरा मेनली कॉनिफेरस एल्पाइन टाइप ऑफ फ्लोरा हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट क्या है, किसके नाम से इसका नाम हुआ है, मेनली कौन से फौना के लिए इंपॉर्टेंट है, बार्ड के लिए, एवियन फौना जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, श्रीनगर में। मेजर जो प्लांट स्पीसीज है वो क्या क्या है, सिडरस दियोदारा, पाइनस एसपीपी, क्वेरकास एसपीपी, ब्रासिपोडियम एसपीपी, तो ये सब है मेजर इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज। फौना में क्या है, हांगुल, हिमालयन सीरो, हिमालयन ब्लैक बियर, मास्क डियर, लियोपार्ड, ये सब है फौना। एवी फौना में है हिमालयन मोनल, जो हमने कहा फ्लैगशिप जो स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं वो है हिमालयन मोनल, फ्रैंकलिन रिंग डव, हिमालयन स्नो कोक, ये सब टाइप ऑफ बर्ड हम यहाँ पे देखते हैं। तो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क जो है ये है जम्मू एंड कश्मीर का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क। मैप में अगर देखोगे तो ये इस जगह पे सिचुएटेड है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क इस जगह पे
सिचुएटेड है, ठीक है, दाची गाम है यहाँ पे, एंड हिमिस जो है ये है यहाँ पे ग्रेट हिमालय का नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है। ये एक ओनली नेशनल पार्क है, हिमिस नेशनल पार्क, जो हिमालय के नॉर्दर्न पार्ट में सिचुएटेड है, बाकी सब उसके इस तरफ है सिचुएटेड मेनली। क्रिस्टवन नेशनल पार्क, क्रिस्टवन नेशनल पार्क का एरिया है 400 स्क्वायर किलोमीटर, नोटिफाइड इन द ईयर 1990, सिचुएटेड इन क्रिस्टवन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका नाम है क्रिस्टवन नेशनल पार्क एंड ये सिचुएटेड भी है क्रिस्टवन डिस्ट्रिक्ट में। पार्क लाइज इन द सेंट्रल क्रिस्टलाइन बेल्ट ऑफ द हिमालय, तो हिमालय का सेंट्रल बेल्ट एरिया में ये पार्क सिचुएटेड है। रॉक्स हियर आर स्ट्रॉन्गली फोल्डेड मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस, ग्रेनाइट एंड नीस टाइप ऑफ रॉक मेनली हम इस जगह पे देखते हैं। ऑकेशनली बेड ऑफ मार्बल आर फाउंड, मार्बल भी ऑकेशनली हम इस जगह पे देखते हैं। कियर नाथ एंड काइबर रिवर्स फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ वेस्ट डिरेक्शन, तो यहां से जो जो रिवर फ्लो कर रहा है वो क्या क्या है, कियर नाथ एंड काइबर, ये इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ पे नॉर्थ से साउथ वेस्ट डिरेक्शन में फ्लो कर रहा है एंड लास्ट में जाके मार्ज हुआ है मारवर रिवर में एंड फाइनली ज्वाइन चेनब रिवर जस्ट अबव क्रिस्टल टाउन। तो फाइनली चेनब रिवर में जाके ये मिला है। तो इंपॉर्टेंट जो रिवर है कियर नाथ काइबर, ये फाइनली जाके मार्ज हुआ है मारवल रिवर में, वो जाके मिला है चेनब रिवर में। तो ये इंपॉर्टेंट है रिवर जो यहाँ पे है। इट इज बाउंडेड टू द नॉर्थ बाई रेन्नी रिवर, नॉर्थ में कौन सा रिवर है, रेन्नी रिवर, साउथ बाई काइबर नाला एंड ईस्ट बाई मेन डिवाइडेड ऑफ ग्रेट हिमालय एंड वेस्ट बाई मारवा रिवर। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके चारों तरफ क्या क्या है, नॉर्दर्न पार्ट में है रेनी रिवर, साउदर्न पार्ट में है काइवर नाला जो हमने कहा यहाँ पे है, एंड ईस्टर्न पार्ट में है ग्रेट हिमालयन का पूरा पार्ट एंड वेस्टर्न पार्ट में है मारवा रिवर, जहां पे जाके ये कियर नाथ काइबर ये सब रिवर जाके ज्वाइन किया है मारवर रिवर में, वो है ये मारवर रिवर, फाइनली वो जाके मिला है चेनाब में। नेक्स्ट क्या है, द टेरिन ऑफ द पार्क इज रॉग्ड एंड स्टीफ, फ्लैगशिप एनिमल ऑफ द पार्क हिमालयन स्नो कुक, एंड इसके पहले जो हमने डिस्कस किया सेलिमाली वहां पे था हिमालयन मोनल एंड यहाँ पे है हिमालयन स्नो कुक जो इंपॉर्टेंट है। फौना में क्या क्या है, स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ताहिर, ये सब। एविफौना में हिमालयन स्नो कुक इज एंडेमिक टू दिस रीजियन, बियर्ड वाल्चर, गोल्डन ओरियोले, व्हाइट चेक्ड बुलबुल, ग्रिफ्टन वाल्चर, ये सब है। फ्लोरा में कॉनिफेरस एल्पाइन टाइप ऑफ फ्लोरा एंड मेजर प्लांट सिड्रस, दियोदरा, क्वेरकस एसपी, पाइनस वालिचियाना एंड ब्रासिपोडियम एसपी, एनिमोने एसपी, जगलंस रीजियन, रोसा एसपीपी, तो ये सब मेजर टाइप ऑफ प्लांट्स भी हम इस जगह पे देखते हैं। तो क्रिस्टवन नेशनल पार्क से इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रिवर, कियार रिवर, नाथ रिवर एंड काइबर रिवर जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो जाके मिला है मारवर में, वो भी यहाँ पे है इसके वेस्टर्न पार्ट में एंड फाइनली जाके ज्वाइन किया है चेनाब में। ये एक इंपॉर्टेंट है कौन कौन से जो रॉक के द्वारा ये बना है, ग्रेनाइट एंड नीस मेनली, सेंट्रल हिमालय का पार्ट है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैप में अगर देखेंगे तो क्रिस्टवन नेशनल पार्क यहाँ पे सिचुएटेड है, ये है क्रिस्टवन नेशनल पार्क, उसके इस साइड में है ग्रेट हिमालय, तो हमने कहा था ग्रेट हिमालय है एक साइड में। नेक्स्ट हम आते हैं काजीनाग नेशनल पार्क, इसका एरिया है 160 स्क्वायर किलोमीटर, सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द झेलम रिवर। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट रिवर होता है वो है झेलम रिवर जिसके नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है एंड क्लोज टू द लाइन ऑफ कंट्रोल इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट, एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के क्लोज है ये, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के साइड में सिचुएटेड है ऐसा एक नेशनल पार्क के नाम बताइए वो क्या है, काजीनाग नेशनल पार्क एंड झेलम रिवर के नॉर्दर्न बैंक में भी ये सिचुएटेड है। फेमस फॉर मारखोर हिमालयन मास्क डियर, होम टू 120 स्पीसीज ऑफ बर्ड, 20 स्पीसीज ऑफ मैमल्स, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है काजीनाग नेशनल पार्क में जिसका एरिया है 160 स्क्वायर किलोमीटर, सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ झेलम रिवर एंड लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ये सिचुएटेड है एंड फेमस फॉर ये सब मैमल स्पीसीज, ये सब है यहाँ पे। मैप में अगर देखोगे तो काजीनाग नेशनल पार्क इस जगह पे सिचुएटेड है, ठीक है।
तो मैथ में आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पे है ग्रेट हिमालय, इसके नॉर्दर्न पार्ट में सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, वो है हेमिस नेशनल पार्क, एंड बाकी सब नेशनल पार्क उसके इस तरफ है, काजीनाग, सिटी फॉरेस्ट, दाचीगाम, क्रिस्टवेयर, ये सब। तो जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क से इम्पोर्टेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में सिचुएटेड है जो है हेमिस नेशनल पार्क, एंड हेमिस नेशनल पार्क के अंदर से भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी नेशनल पार्क रिलेटेड। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आ गया है, फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, इसके साथ साथ हम टॉपिक भी आप कमेंट करके बताएं जिसके ऊपर आप चाहते हो इसके बाद हम डिस्कस करें। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।